मेरा डेट ऑफ प्लेस है त्रिपुरा अगरतला से। ओके, और अभी आप कहाँ पर हैं? दिल्ली में। दिल्ली में आपने इसको लेके कोई फॉर्मल एजुकेशन कैसे किया? हाँ जी, मैंने बी एफ ए किया है त्रिपुरा कॉलेज ऑफ आर्ट एंड एम एफ ए किया है मैसूर यूनिवर्सिटी। ओके, आप कभी पास आउट हुए हैं एम एफ ए से? 2011। आपके टीचर्स आपके? जैक्सन पोलो। आपके इंस्पिरेशन जी? हाँ, जैक्सन पोलॉक का अलग स्टाइल है क्योंकि थ्रो करके होता है और ये जो मेरे पेंटिंग है मेरा स्टाइल मतलब फॉर्म क्रिएट करना होता है। आपने अभी इस ये जो पेंटिंग बनाई, आप जो सोच के जो ये पेंटिंग बनाना चाहते थे, क्या वो पूरा का पूरा आपका? हाँ, ये स्प्रिंग है टाइटल, क्योंकि जब भी हम अगर आप रिवर के किनारे से जाओगे, साइड से जाओगे, साइड से करोगे तो देखना कि व्हाइट कलर का एक फ्लावर्स होता है और जो स्प्रिंग जिस टाइम में होता है तो उस टाइम पूरा आप रोड देखना दिल्ली में येल्लो येल्लो कलर बसंत रहता है, तो इसलिए येल्लो एंड ये आपका व्हाइट एंड येल्लो और ब्लैक आज के डेट में जो है परिस्थिति है हमारे पॉल्यूशन का, तो इसका नतीजा ये है। आप जो बनाना चाहते थे आप उससे सेटिस्फाइड है? आप जो बनाना चाहते थे वो पूरा का पूरा आपके पेंटिंग में आया कि कहते हैं कि आर्टिस्ट अगर पूरा मतलब सेटिस्फाइड हो जाए जिंदगी में कुछ आगे ही नहीं बढ़ सकता। उससे भी अच्छा कुछ करना है। कुछ बाकी थे? नहीं, ठीक है, एक फॉर्म हो गया, अच्छा फॉर्म हो गया। आपको रेसिडेंसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? रेसिडेंसी के अच्छा लगा, विलेज टाइप का है, फिर हमारे जो ओनर है सूरज जी वो हमारा मतलब बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और उनकी वाइफ मतलब मुझे कोई अलग से फील नहीं हुआ कि हम घर से बाहर है, कि हमें लगा कि अपने के बीच में है और दोस्त कम लेकिन ट्रीट करते हैं भाई की तरह, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे लिए इतना फिक्र किया उन्होंने। थैंक यू।